भाइयों बहनों, आप सभी को सादर नमस्कार। हम देख रहे हैं विश्व में कोरोना वायरस के नाम की बड़ी त्रासदी, बड़ी जो महामारी आई है, इस महामारी से, इस बीमारी से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें इससे लड़ने की ज़रूरत है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है, जो आग्रह किया है कि दिनांक 22 तारीख अर्थात कल रविवार सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से जनता कर्फ्यू लगाएं। हम कोई भी घर से बाहर नहीं निकलें और शाम को 5 बजे अपने घरों पर, अपने दरवाजे पर, अपनी गैलरी, अपनी खिड़कियां, वहां से 5:05 तक अर्थात 5 मिनट तक उन लोगों को प्रोत्साहित करें, उन लोगों को सम्मान दें जो इस महामारी के लिए, जनता की सेवा के लिए खड़े हुए हैं। चाहे मीडिया होगा, चाहे स्वास्थ्य कर्मी होगा, चाहे स्वच्छता कर्मी होगा, डॉक्टर होंगे, एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोग होंगे, साफ सफाई करने वाले लोग होंगे, ट्रेन की व्यवस्था देखने वाले लोग होंगे, सार्वजनिक जीवन में अपनी चिंता नहीं करते हुए जो देश की चिंता कर रहे हैं, हमारी अपनी चिंता कर रहे हैं, उनके सम्मान में, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अपने घर में जो भी सामान हो, थाली कटोरी हो, चम्मच थाली हो, कोई शंख हो, नहीं तो ताली बजा करके उनका प्रोत्साहन करें, उनका उत्साहवर्धन करें। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, हम सब इस घड़ी में राजनीति से ऊपर उठ करके देश के लिए, समाज के लिए, अपने आप के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है जनता कर्फ्यू का, सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक हम कर्फ्यू के जैसे माहौल में, वैसे वातावरण में हम रहें, घर से बाहर कोई नहीं निकलें और 5:05 पर उन लोगों को प्रोत्साहित भी करें। साथ ही लगातार उसके बाद 2 सप्ताह तक अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखें, अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखें। हम अपने कामकाज सीधे दुकानों में जाकर के, अपने प्रतिष्ठानों में जाकर के करने के बजाय जितना संभव हो घर से ही संचालित करें। सार्वजनिक कार्यक्रम बिल्कुल नहीं करें, सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल नहीं जाएं। और इसी के साथ हम सब लोग जब कहीं मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो 2 मीटर की दूरी से नमस्ते, नमस्ते का अभिवादन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथ धोएं, लगातार कम से कम 20 सेकंड तक साबुन लगा करके और हाथ धोएं, दिन में 4-5 बार हाथ धोएं, और या सैनिटाइजर इस तरह से 4-5 बार जब भी कोई भी हो काम, हाथ का उपयोग जहां करना हो तुरंत हाथ स्वच्छ रखें। घबराएं नहीं, डरें नहीं, कोई बेचैनी की बात नहीं है, हम सब लोग सावधान रहें, यही मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। और इन सारी सूचनाओं को, सारी बातों को आप जन जन तक, नीचे नीचे तक पहुंचाएं। ये काम हमारे अपने लिए है, हमारे अपने परिवार के लिए है, हमारे अपने देश के लिए है और इस पूरी दुनिया के लिए है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी सांसदों से भी आग्रह किया है
और केवल भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, सभी सांसदों से, सभी विधायकों से, सभी जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह किया है कि हम सभी अपने अपने कार्यक्षेत्र में लोगों को उत्साहित करें, जागरूक करें, कैसे स्वच्छ रहें, सैनिटाइजर साथ में रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें और सारा समाज, सारा कार्यक्षेत्र इसके लिए जागरूक रहे, डरे नहीं, सावधान रहें और हम सब मिलकर के इस कोरोना वायरस को हमारे देश से हरा करके, अपने क्षेत्र से हरा करके इसको समाप्त करें।